नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं बीके हॉस्पिटल मॉर्चुरी के बाहर। आपको बता दूं, एक मामला सामने आया है। मामला 24 सेक्टर का है। जो ट्रक था वो लगभग 5:30 बजे की बात है, हालांकि जो भारी वाहन होते हैं उनकी 4 बजे के बाद एंट्री बंद होती है, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रक जो है चल रहा था और हाई स्पीड में था, जिससे कि वो मजदूर जो है साइड में चल रहा था, उसके बावजूद ट्रक चालक ने उसको टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, ट्रक चालक जो है पकड़ा गया है और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हौसला प्रसाद है। क्या हुआ था, क्या है प्रॉब्लम? इनका ना कल शाम को एक्सीडेंट हो गया था लखानी। क्या नाम है? इनका नाम विजय है। कितनी उम्र है? 49 50 के आसपास। कहाँ गए थे वो? नौकरी ड्यूटी करके आ रहे थे, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सरूरपुर में ड्यूटी कर रहे थे, मतलब दिहाड़ी का काम, और वहाँ से करके आ रहे थे सब्जी लेकर के, और इनका एक्सीडेंट हो गया। किसके द्वारा हुआ? ट्रक के द्वारा। क्या हुआ था? साइड में चल रहे थे या उसने? नहीं, बिल्कुल साइड में चल रहे थे वो, रैंडमली, मतलब साइड में जैसे फुटपाथ पे आदमी चलता है वो चल रहे थे, और पीछे टक्कर मार के ट्रक वाला चला गया। स्पीड में था ट्रक वाला? स्पीड में था ट्रक वाला। तो अभी फरार है ट्रक वाला या पकड़ा गया? क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? अभी तो पुलिस उसको बिठा रखी है थाने में, अभी भी है पुलिस कस्टडी में है, बाकी आगे क्या कार्रवाई करेगी आई डोंट नो। कुछ पता लगा कि पी रखी थी या फिर नहीं या क्या? नहीं, ऐसा कुछ हमें आइडिया नहीं अभी। कितने बजे की बात है? शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच की बात है। 5:30 से 6। भारी वाहनों का मना होता है, एंट्री नहीं होती? हाँ, नो एंट्री होती है 4 से 8 तो वैसे। उसके बावजूद ही मतलब चल रहा है, लेकिन तो रोज इसी रास्ते से आते थे? हाँ, मतलब जनरली क्या, इनका दिहाड़ी का काम पर जहाँ का नौकरी मिल जाती थी इनको, कहाँ जहाँ काम मिल जाता वहाँ चले जाते थे। तो काम पैदल थे या साइकिल? पैदल थे, बिल्कुल पैदल। अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, अभी तो जो भी कानूनी कार्रवाई हो तो हो ही, लेकिन अभी रिसेंटली अगर चाहिए कुछ तो मतलब परिवार को आर्थिक सहायता मिले कम से कम, ताकि उनका जो बच्चों का, इनके परिवार में 5 लोग हैं, 2 बेटे हैं और 3 बेटियाँ हैं इनके। बेटे क्या करते हैं? बेटे भी नौकरी करते हैं, ऐसे प्राइवेट नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं मतलब बेसिकली।